नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों भारतीय सेना के लिए आज एक काफी बड़ा दिन रहा। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी वे अब अगले उप थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और उन्हें इस अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके अलावा उत्तरी सैन्य कमान के प्रमुख के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और पूर्वी कमान के प्रमुख का जिम्मा लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को मिलने वाला है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी ने 1 जून को महत्वपूर्ण पूर्वी सेना कमान के नए कमांडर के रूप में कार्यभार संभाला था। इस कमान का मुख्यालय कोलकाता में है और ये कमान पूर्वी कमान सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टरों में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC की निगरानी करती है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी ने लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती की जगह ली है। अब डिफेंस बजट 4.78 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए अलॉट किया जाएगा। ऐसा इसीलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियारों का प्रोडक्शन देश में हो सके। पिछले साल इसके लिए 58% का बजट अलॉट किया गया था, यानी कि इसमें 10% की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट को अब प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप के लिए ओपन कर दिया गया है। इसके लिए जारी बजट में 25% प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। इस साल आर्मी के लिए रेवेन्यू बजट में 16,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, यानी सरकार ने सैलरी और मेंटेनेंस पर फोकस किया है। दूसरी तरफ कैपिटल बजट में पिछले साल के मुकाबले 4,000 करोड़ रुपए की कमी की गई है, यानी कि हथियारों पर फोकस कम है। तीनों सेनाओं के लिहाज से आर्मी का कैपिटल बजट सबसे कम है। नेवी के लिए इस साल रेवेन्यू बजट में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन कैपिटल बजट में पिछले साल के मुकाबले करीबन 14,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि करीबन 44.5% की बढ़ोतरी। इसमें माना जा रहा है कि सरकार आने वाले सालों में समुद्र की ताकत बढ़ाएगी। चीन से तनाव के बाद सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है। वहीं इस साल एयरफोर्स के लिए रेवेन्यू बजट 32,000 करोड़ रुपए का रखा गया है और ये पिछले साल की तुलना में सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। वहीं कैपिटल बजट की बात करें तो तीनों सेनाओं में सबसे ज्यादा अमाउंट एयरफोर्स को ही मिला है। पिछले साल कैपिटल बजट में करीब 53,000 करोड़ रुपए था, जो कि इस बार करीबन 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। भारत का कुल रक्षा बजट $72 बिलियन का है। दुनिया में डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में हम तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले और दूसरे नंबर पर अमेरिका और चीन है। हालांकि इनके मुकाबले हमारा बजट काफी कम है। हम अपनी GDP का 2.9% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करते हैं, तो वहीं अमेरिका 3.7, तो वहीं चीन 1.7% खर्च डिफेंस पर करता है। और साल 2022-23 के लिए डिफेंस बजट में 47,000 करोड़ रुपए यानी कि 9.84% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों चीन की क्रूरता एक बार फिर सामने आई है और चीन की क्रूरता से जुड़ा एक मामला सामने आया है। आप सबको मालूम ही है कि हाल ही के दिनों में मीराम तोरान नाम के एक लड़के को अगवा कर लिया गया था, जो कि 17 साल का लड़का था, और इसे अरुणाचल प्रदेश में LAC से गिरफ्तार कर लिया गया था। और आखिरकार जब भारतीय सेना ने तमाम कोशिशें की, उसके बाद इसको वापस लौटाया गया। लेकिन अब इस लड़के के पिता ने दावा किया है कि उनके बेटे को चीनी सेना ने बिजली के झटके दिए थे और उसके साथ खूब मारपिटाई की थी। यही नहीं, मीराम को मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित किया गया था। इसके अलावा उसके पिता ने बताया कि उनका पूरा परिवार अभी भी सकते में है, क्योंकि बच्चे के पीठ पर काफी मारा गया है और शुरुआत में बिजली के जो हल्के झटके दिए गए थे उसके निशान भी हैं, और उसकी आंखों पर लंबे समय तक पट्टी भी बांधी गई थी और दोनों हाथ बांध दिए गए थे। वे उसे तभी खोलते थे जब उसे खाना होता था या फिर शौच जाना होता था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि चीनी सेना किसी गुंडे मवाली से कम नहीं है, और गलवान हिंसा के दौरान भी इन लोगों ने दोस्तों ऐसे ही किया था। किस तरीके से ये गैर परंपरागत जो हथियार लेके आए थे उनका इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन भारत ने भी अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसी तरीके के और उससे भी ज्यादा खतरनाक हथियारों को, जो कि गैर पारंपरिक हथियार हैं, जिसमें कि त्रिशूल, इलेक्ट्रिक रॉड और कई सारी चीजें शामिल हैं, उन्हें भारतीय सेना को दे दिया गया है ताकि इनको इन्हीं के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। दोस्तों अब HAL डोनियर 228 विमान को एम्फीबियस एयरक्राफ्ट में बदल देगा। कहा जा रहा है कि HAL को डोनियर 228 विमान को डोनियर 228 सी प्लेन में विकसित करने की अनुमति दी गई है, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन ने पहले से ही इस कार्यक्रम के लिए फ्लोट भी विकसित किए हैं, जिसका समुद्र में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए अपने पारंपरिक लैंडिंग गियर सिस्टम को बदलने के लिए काफी परीक्षण भी किया गया है। डोनियर 228 विमानों को सीप्लेन में बदलने का प्रस्ताव पहली बार एरो इंडिया 2021 में प्रस्तावित किया गया था, क्योंकि HAL का कहना है कि ऐसे सीप्लेन के नागरिक और सैन्य उपयोग दोनों के लिए एक छोटा बाजार भी मौजूद है। HAL का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन भी समुद्र या रिवर फ्रंट पर हार्ड लैंडिंग के लिए फ्यूजलाज के जो मध्य भाग है यानी कि जो मिडिल पार्ट है उसको भी मजबूत करेगा, जिसे कि हम मिड सेक्शन भी कहते हैं। हालांकि डोनियर 228 सी प्लेन बेचना एक आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो ट्विन ऑटर सी प्लेन से अधिक होगी, जो अक्सर भारत और दुनिया भर में सी प्लेन ऑपरेटरों की पसंदीदा पसंद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन की स्थिति पर बैठक से पहले
चीन के मतदान के खिलाफ मत देने और इसमें भारत, केन्या और गैबॉन के अनुपस्थित रहने पर रूस ने मतदान से पहले अमेरिकी दबाव के बावजूद डटे रहने पर चारों देशों को शुक्रिया अदा किया। भारत ने यूक्रेन सीमा पर तनावपूर्ण हालातों को लेकर चर्चा के लिए होने वाली बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रक्रियागत मतदान में भाग नहीं लिया। अमेरिका के अनुरोध पर हुई बैठक के लिए परिषद को 9 मतों की आवश्यकता थी। रूस और चीन ने बैठक के खिलाफ मतदान किया, जबकि भारत, गैबॉन और केन्या ने भाग नहीं लिया। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन सहित परिषद के 10 अन्य सदस्यों ने बैठक के चलने के पक्ष में मतदान दिया। बैठक में भारत ने रेखांकित किया कि शांत और रचनात्मक कूटनीति समय की आवश्यकता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के व्यापक हित में सभी पक्षों के द्वारा तनाव बढ़ाने वाले किसी भी काम से बचना चाहिए। दोस्तों, अब कश्मीर में साजिश रचने के लिए ISI का मेन गढ़ बन गया है तुर्की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अब तुर्की के सहारे भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए नई चाल चली है। तुर्की अब जम्मू कश्मीर में प्रभाव बढ़ाने के लिए नया दुबई बनकर उभरा है और इस घटना के सामने आते ही भारतीय खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई है। पाकिस्तान परस्त तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मदद से ISI भारतीय मुसलमानों में अपनी पैठ बढ़ाना चाह रहा है और भारत की विदेश नीति के बारे में संदेह पैदा करना चाहता है। इससे पहले ISI UAE और सऊदी अरब के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था। UAE और सऊदी अरब के भारत के साथ रिश्ते मजबूत होने के बाद ISI को तुर्की को नया ठिकाना बनाना पड़ा है। पाकिस्तान की ये नीति तुर्की के एर्दोगन प्रशासन की नीति से मेल भी खाती है, जो अरब दुनिया के मुसलमानों के बाहर अन्य देशों में मुस्लिमों के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तुर्की ने कई कश्मीरी पत्रकारों को भी अपने यहाँ नौकरी दी है। कश्मीर समेत भारत के अन्य हिस्से में स्थित जो मुस्लिम है उन्हें बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप भी दे रहा है और इसीलिए ये अलर्ट रहने का वक्त है। चाहे वो हमारे देश के मुस्लिम ही क्यों नहीं है, उनको इस तरीके की साजिश से बचना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा रखे गए बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 14,270.46 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आवंटन वित्त वर्ष 2021-2022 के आंकड़ों से 833 करोड़ रुपए अधिक है, जो कि 13,438 करोड़ रुपए था। 14,270.46 करोड़ रुपए के बजट को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के बीच विभाजित किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ और अंतरिक्ष विभाग को बजट में 5,240 करोड़ रुपए मिले हैं। भारत ने LAC के साथ लगते अपने बुनियादी ढांचे, सड़क और संचार नेटवर्क में मजबूती लाने के लिए उत्तरी सीमाओं के साथ दूर दराज के गांवों को विकसित करने के अपने इरादे की घोषणा भी कर दी है। ये गांव पूर्वी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास है। और लोकसभा में बजट के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि विरल आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचों वाले सीमावर्ती गांव अक्सर विकास के लाभ से छूट जाते हैं। उत्तरी सीमा पर ऐसे गांवों को नए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कवर किया जाएगा। इसके अलावा इन गांवों में बुनियादी ढांचों का निर्माण, आवास, पर्यटन, सड़क संपर्क, नवीनीकरण ऊर्जा का प्रावधान, दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों के लिए सीधे घर तक उनकी पहुंच होगी और आजीविका सृजन के लिए समर्थन भी मिलेगा। हालांकि भारत ने इस कदम को तब जाकर तेजी से उठाया है जब चीन ने LAC के साथ गांवों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब ये होता है कि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल सैन्य ठिकानों के रूप में वो कर सकता है। और इसलिए भारत ने भी अब जो LAC के साथ गांव लगते हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरे प्रयास झोंक दिए हैं। राफेल फाइटर जेट्स की कुल संख्या अब 35 हो जाएगी, क्योंकि 3 राफेल जेट्स, 13 भारत के हिसाब से जो अपग्रेड किया गया है, यानी कि इंडिया इन्हांसमेंट के साथ भारत आ रहे हैं और ये 2 दिनों में भारत पहुंच जाएंगे। और आखिरी का जो 36वां एयरक्राफ्ट होगा वो ऑल इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के साथ आएगा अप्रैल के महीने में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 36वें एयरक्राफ्ट के आने के बाद बाकी के सभी जो राफेल जेट्स हैं उन्हें इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट में अपग्रेड किया जाएगा और इन्हें अम्बाला एयरबेस में अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन अब नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार भारत अपने 32 राफेल एयरक्राफ्ट को चरणबद्ध तरीके से फ्रांस भेजेगा, ताकि उनमें भी 13 जो भारत के हिसाब से अपग्रेड किए जाने हैं वो किए जाएंगे। दोस्तों, इसरो ने पिछले साल अपने प्लान में बताया था कि जुलाई 2021 में US-4/RISAT-1A सैटेलाइट को PSLV-C52 रॉकेट से वो लॉन्च करेगा। ये एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, लेकिन कोरोना की वजह से ये लॉन्चिंग टलती गई। अब इसकी लॉन्चिंग संभावित 14 से 17 फरवरी के बीच हो सकती है। इसरो ने कहा कि स्पेस एजेंसी धरती की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट US-4/RISAT-1A को तैनात कर सकती है। हालांकि इसरो ने अभी भी लॉन्च की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले 2 सालों में इसरो के कई मिशन कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से
अटके रहे। इसरो ने इस साल के शुरुआती 3 महीनों के अंदर 5 लॉन्चिंग की तैयारी की है। पहले तो US-4 की होगी, इसके बाद PSLV-C53 और OceanSat-3 और INS-2B मार्च में लॉन्च किया जाएगा। अप्रैल में SSLV-D1 माइक्रोसेट की लॉन्चिंग की जाएगी। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।